हेलो वर्ल्ड, दिस इज आकाश फ्रॉम ट्यूटोरियल्स गुरु। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वेब ब्राउजर के प्राइवेट मोड के बारे में या फिर इनकॉग्निटो मोड के बारे में। सो फ्रेंड्स, विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, लेट्स डू समथिंग टेकी टुडे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो मैं ये वीडियो बना रहा हूं, यह वीडियो हमारी प्लेलिस्ट के अंदर है। दैट इज जो हमारी प्लेलिस्ट मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, जिसके अंदर हम बात कर रहे थे सर्फिंग इंटरनेट एनोनिमसली। तो ये वीडियो उसी प्लेलिस्ट का पार्ट है। तो अगर आपने वह प्लेलिस्ट अभी तक एक्सेस नहीं करी है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उस प्लेलिस्ट पे चले जाएं, क्योंकि इस प्लेलिस्ट के अंदर मैं अगली 4-5 वीडियो डालूंगा जिनके अंदर मैं आपको पूरा समझाऊंगा कि किस तरीके से आप इंटरनेट को एनोनिमसली सर्फ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात आती है यहाँ पर वेब ब्राउजर का प्राइवेट मोड होता क्या है, बट उससे भी पहले बात आती है कि ब्राउजर क्या होता है। तो यार, ब्राउजर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से आप इंटरनेट चला सकते हैं। अब यार, आपने नाम सुने होंगे, दैट इज गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर। और इंटरनेट एक्सप्लोरर पर तो गाइज काफी मीम्स भी बनती हैं, बिकॉज यार ये काफी स्लो है और काफी हम कह सकते हैं आउटडेटेड है इस टाइम पर। तो गूगल क्रोम सबसे बेस्ट ब्राउजर है। तो गाइज, इसी ब्राउजर को हम यूज करेंगे अपनी पूरी प्लेलिस्ट में, बट मैं आपको और भी चीजें बताता रहूंगा साथ ही में। तो यार, इनकॉग्निटो मोड के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा। तो इनकॉग्निटो मोड होता क्या है? तो नॉर्मली एक बंदा करता क्या है, नॉर्मली एक बंदा सिंपली अपने ब्राउजर में जाएगा, जैसे कि मैं यहाँ पर चला गया, और यहाँ पर जाकर अपना गूगल में जाकर कुछ भी सर्च कर देगा। बस इतना ही करेगा वो, यहाँ पर फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो भी चाहता है वो ओपन कर लेगा और बस नेट चला लेगा। बट अब इससे कितने इसके नुकसान है वो मैं आपको थोड़ा बता दूं। तो यार देखो, नॉर्मली जब आप अपने ब्राउजर में जाते हैं और वहां पर आप इंटरनेट को चलाते हैं, तो सबसे पहली चीज, आपको जो आपका ISP है वो आपको ट्रैक कर रहा होता है। मतलब कि जो आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है वो देखता रहता है कि आप क्या कर रहे हैं और कौन कौन सी साइट्स को आप विजिट कर रहे हैं। इसी के साथ में आप जिस वेबसाइट पे जाएंगे वो भी आपको ट्रैक करेगी, ठीक है। इसी के साथ में आपका जो ब्राउजर है ना, वो आपकी हिस्ट्री को रिकॉर्ड करता है। मतलब कि आप कौन सी साइट पे गए, उसके बाद में आप कौन सी साइट पे गए, तो वो सारी चीजें आपको पता है। जब हम कंट्रोल प्लस H प्रेस करते हैं, दैट इज हिस्ट्री के लिए, तो वहां पर आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। ओके, इसी के साथ में आप के अंदर आपके जो ब्राउजर है वहां पर कुकीज वगैरह, कुकीज आती हैं, एड्स होते हैं, तो गाइस ये सारी चीजें भी इसमें हो जाती हैं। बट हमें ऐसा नहीं करना है, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सर्फिंग इंटरनेट एनोनिमसली। मतलब कि हम इंटरनेट को इस तरीके से सर्फ करें कि हमारी आइडेंटिटी को कोई पहचान ना पाए। तो हमें करना क्या है, हमें सिंपली यहां पर सीधे नहीं आना है। हमें यहां पर आकर अगर हम आ जाते हैं तो उसके बाद में आपको करना क्या है, आपको या तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन प्रेस करना है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। अगर आप इंटरनेट क्रोम या फिर क्रोम ब्राउजर या फिर ओपेरा ब्राउजर यूज करते हैं तो आपको कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन प्रेस करना है। अगर आप करते हैं फायरफॉक्स यूज तो आपको प्रेस करना है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी। तो आपको ध्यान रखना है ये दोनों हम कह सकते हैं शॉर्टकट्स, तो आप ध्यान रखें इस चीज का। इसके अलावा अगर आप ये शॉर्टकट्स प्रेस नहीं करना चाहते हैं तो आपको सिंपली जो ये 3 डॉट्स इन पे चले जाना है और यहां के बाद में आपको न्यू इनकॉग्निटो विंडो पर क्लिक कर देना है। आप इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो उसके बाद में आपका जो ब्लैक कलर की स्क्रीन है ना, ये आपकी ओपन हो जाएगी। अब यार, ये इनकॉग्निटो मोड ओपन तो हो गया हमारा, अब यहाँ पे है क्या, तो देखो यहाँ पर अब क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं। क्रोम वॉन्ट सेव द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। अब हमारा जो क्रोम ब्राउजर है वो क्या क्या चीजें हमारी सेव नहीं करेगा। पहली चीज, हमारी जो हिस्ट्री है वो अब हमारी सेव नहीं होगी। मतलब कि अब जो भी हम इंटरनेट पर जाएंगे, लाइक हमने कोई भी साइट विजिट करी, तो वो हमारी हिस्ट्री में सेव नहीं होगी। दूसरी चीज, हमारी जो कुकीज है या फिर साइट का डेटा है वो भी सेव नहीं होगा। इसका क्या मतलब होता है, सपोज गाइस मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। यार, आप अपनी फेसबुक पे जाते हैं, फेसबुक आप अपनी यूजर नेम पासवर्ड डाल देते हैं, ठीक है। आप दोबारा जाएंगे, दोबारा यूजर नेम पासवर्ड डालेंगे, तो एक टाइम पर आपका जो आपका ब्राउजर वो मांगता है कि आप इसे सेव कर दें। मतलब आपका जो यूजर नेम और पासवर्ड है आप इसे सेव कर लें, बिकॉज बार बार आप डालते हैं टाइम वेस्ट होता है। तो आप सिंपली करते हैं, आप सिंपली रिमेंबर नाउ पे क्लिक कर देते हैं, रिमेंबर पर, ठीक है, रिमेंबर मी होता है जो भी है। तो उसके बाद में नेक्स्ट टाइम आप जब भी फेसबुक पे जाएंगे तो सिंपली आपका यूजर नेम और पासवर्ड वो आपको पहले से डाला मिलेगा। तो ये होता है हमारी कुकीज। कुकीज हमारी एक ऐसी, मतलब कि हमारी इंफॉर्मेशन होती है जो कि हमारा ब्राउजर सेव करके रखता है अपने पास में, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी इसके अंदर नहीं होती है, इनकॉग्निटो के अंदर। इसके अलावा इंफॉर्मेशन एंटर्ड इन फॉर्म्स, इसका मतलब क्या है, यार आप एक वेबसाइट पे गए, वेबसाइट पे आप जाते हैं साइन अप बटन पे, साइन अप पे आप अपना नाम, यूजर नेम, पासवर्ड वगैरह सारी चीजें डाल देते हैं, तो ये सारी चीजें भी आपकी जो कुकीज है वो सेव कर लेती हैं। तो ये सारी चीजें भी आपकी यहाँ पे जो इनकॉग्निटो मोड है इसमें सेव नहीं होंगी, ठीक है। तो ये 3 चीजें हैं जो यहाँ पर सेव नहीं होती हैं। बट क्या क्या चीजें अभी भी विजिबल है वो मैं आपको बता दूं। तो सबसे पहली चीज, वेबसाइट्स यू विजिट, इसका मतलब है कि वेबसाइट जिन जिन पे हम जाएंगे ना वो किस किस को विजिबल है। या तो हमारा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है उसको पता रहेगा, अभी भी पता रहेगा उसे कि हम क्या कर रहे हैं। बट इसका भी मैं आपको ऑल्टरनेटिव बताऊंगा कि किस तरीके से आप इससे भी बच सकते हैं। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियोज के अंदर
आपको वीपीएन के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा, तो मैं वहां पर आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से भी बच सकते हैं, उससे भी बच के आप कैसे इंटरनेट चला सकते हैं। तो ये सारी चीजें भी मैं आपको अपनी प्लेलिस्ट में आगे वीडियोस लाऊंगा तो बताऊंगा अच्छे से इन्फॉर्मेशन। बट अभी जो वीडियो है, इस वीडियो में हम मेनली इनकॉग्निटो मोड के बारे में बात कर रहे हैं। तो अब बात कर लेते हैं इनकॉग्निटो की, ठीक है, थोड़ी और। तो देखो यहां पर हमने कुछ भी सर्च कर लिया, सपोज हमने डाला गूगल, ठीक है, ओके, तो हम यहाँ पे एंटर प्रेस कर देंगे, तो देखो यहाँ पे गूगल ओपन हो जाएगा सिंपली। तो अब होगा क्या, अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल प्लस एच प्रेस करूंगा तो सिंपली मैं सीधा अपने जो अपना हमारा जो मेन ब्राउजर है यहां पर मैं आ जाऊंगा, मतलब कि जो इनकॉग्निटो के अंदर मैं कुछ भी चलाऊंगा तो वो चीजें यहां पर सेव नहीं होंगी। अब बात आती है, अब आप लोग सोचेंगे कि यार इसका मतलब, इसका फायदा क्या है वैसे। तो सबसे पहला फायदा यही है इसका, इसके अंदर आपकी हिस्ट्री है वो सेव नहीं होती है। दूसरा फायदा, आपकी कुकीज है वो भी सेव नहीं होती है। तीसरा, आपकी जो इन्फॉर्मेशन है जो फॉर्म्स में एंटर की गई होती है वो भी सेव नहीं होती है। चौथा फायदा मैं आपको बता देता हूं, सपोज आप यार ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं तो उससे आप, मैं तो आपको यही रिकमेंड करूंगा उससे आप अपने नॉर्मल ब्राउजर से ना करें, बिकॉज इसके अंदर आपके काफी सारे थर्ड पार्टी एप्लीकेशन होते हैं, लाइक जो ये आप ये ऊपर देख सकते हैं गाइज, इन्हें हम कहते हैं एक्सटेंशन। तो काफी एक्सटेंशन होते हैं, काफी हम कह सकते हैं काफी छोटी मोटी अपने आप ही ऑटोमेटिकली चीजें आ जाती हैं इंटरनेट से, तो वो चीजें आपके कंप्यूटर के ब्राउजर को अफेक्ट करती हैं। तो आप इनकॉग्निटो में जब भी आ जाएंगे तो यहां पर आप काफी सिक्योर रहेंगे। यहां पर आप अपने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन अगर करेंगे तो यहां से मतलब कि हम कह सकते हैं आपकी जो आईडी पासवर्ड है वो उसके हैक होने के बहुत कम चांस है, ठीक है, बहुत कम चांस है, नामुमकिन नहीं है। यार मैं आपको पहले एक चीज बता दूं इस वीडियो में, कोई भी सिक्योरिटी 100% सिक्योर नहीं होती है, कोई भी चीज हो 100% सिक्योर नहीं होगी। 99.9% मान सकते हैं, बट 0.1 वो वल्नरेबल जरूर रहेगी, मतलब कि आज तक ऐसी कोई भी चीज नहीं बनी है जो इसको हैक नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो यार ऐसा तो है नहीं कि मतलब कि आप बिल्कुल ही सुरक्षित हैं, ऐसा कभी नहीं होगा। आप चाहे वीपीएन यूज करें, आप प्रॉक्सी यूज करें, कुछ भी करें, बट आप 100% सिक्योर नहीं हो सकते। बट मैं आपको फिर भी ऐसी चीजें बताऊंगा कि जिसके मतलब कि इतना सिक्योर तो हो ही जाए कि नॉर्मल इंसान आपको ट्रैक ना कर पाए, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा इनकॉग्निटो मोड के बारे में, मैंने आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दिया है कि यार इनकॉग्निटो होता क्या है, इसमें क्या क्या सेव हो जाता है और क्या क्या सेव नहीं होता है, वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं ब्लॉक थर्ड पार्टी कुकीज, तो यहाँ पे ऑन है, मतलब कि थर्ड पार्टी जो कुकीज है हमारी वो आपकी ना बने। कुकीज मैंने आपको बता दिया, कुकीज आपकी एक छोटी सी फाइल होती है इन्फॉर्मेशन की जो आपके ब्राउजर के अंदर होती है, जो आपकी मतलब यूजर नेम पासवर्ड को सेव कर लेती है, ठीक है, ओके। तो यार होप आपको कंप्लीट समझ में आ गया होगा इसके बारे में, ब्राउजर के प्राइवेट मोड के बारे में। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप प्लीज कमेंट करें नीचे, आप मैं आपके कमेंट का पक्का से रिप्लाई कर दूंगा। तो अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, अगर पसंद नहीं आई तो डिसलाइक करें। और फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आ जाती है यार तो प्लीज इसे अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, जिससे कि यार बिकॉज मैं आपको एक ऐसी चीज बताने जा रहा हूं जो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है, क्योंकि आज का जमाना ऐसा है कि यार हैकर्स बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, तो आपकी डेटा को आसानी से चुराया जा सकता है। बट मैं आपको ऐसी चीजें बताऊंगा जिनसे आप बहुत मतलब कि 99.9% सिक्योर हो जाएंगे, ठीक है। तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर करना। सो थैंक यू फ्रेंड्स।